सच। बुरहानपुर महापौर चुनाव में चंद वोटों से हारने वाली शहनाज अंसारी के पति इस्माइल अंसारी ने ओवैसी की पार्टी AIMIM पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जबलपुर के पूर्व विधानसभा क्षेत्र के मुसलमानों को MIM से सावधान रहने की नसीहत करते हुए बुरहानपुर के कांग्रेस नेता ने कहा कि ओवैसी की पार्टी बीजेपी की बी टीम है। AIMIM की पतंग की डोर बीजेपी के हाथों में ही है। MIM प्रत्याशी की वजह से मात्र 388 वोटों से महापौर चुनाव हारने वाली शहनाज अंसारी और उनके पति पार्षद इस्माइल अंसारी ने जबलपुर प्रवास के दौरान त्रिकाल मीडिया से बातचीत की। इस दौरान पति पत्नी ने बताया कि बुरहानपुर में MIM ने कांग्रेस की अच्छी पोजीशन देख बीजेपी से हाथ मिलाया और अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया। मेरे एलिया शहनाज अंसारी ये बुरहानपुर में कांग्रेस पार्टी से 2022 की में कांग्रेस पार्टी के टिकट से महापौर का चुनाव लड़ा था। चूँकि वहाँ पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीत रही थी और भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत ख़राब थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो उनके आकाए लोग हैं ऊपर से मैनेज करके MIM की वहाँ पर एंट्री कराई बुरहानपुर में, और ना चाहते हुए भी हमें 388 वोटों से बुरहानपुर में हार का मुँह देखना पड़ा। तो मेरा यहाँ आने का मकसद था, मुझे यहाँ आके पता चला कि पूर्वी क्षेत्र में हमारे प्रिय लोकप्रिय विधायक लखन जी गंगोरिया चुनाव लड़ रहे हैं, जो पिछली बार कैबिनेट मंत्री भी थे और माशाल्लाह इस बार भी उनकी काफ़ी अच्छी पोजीशन है। तो इस चीज़ को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बौखलाहट में वही खेल खेली जो बुरहानपुर में खेली थी। जिस तरह विधानसभा चुनावों के दौरान MIM का फोकस पूर्व विधानसभा के 7 मुस्लिम वार्डों पर है, उसी तरह बुरहानपुर में महापौर चुनाव के वक्त उन इलाकों में फोकस किया जहां मुस्लिम वोटों की तादाद ज्यादा थी। पूर्व विधानसभा के कई वार्डों में से सिर्फ 7 पर MIM नजर आ रही है। इस पर कांग्रेस नेता और पार्षद इस्माइल अंसारी ने कहा कि MIM सिर्फ यही करती है। आप देखिए, एक बात बताना चाहूंगा वहां कि बुरहानपुर में 26 वार्ड मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे, तो एक फंडा लाया उन्होंने मैनेजमेंट का कि केवल MIM ने 26 वार्डों में ही अपने कैनवासिंग का प्रचार का फोकस करी। यहाँ भी मुझे आगे मालूम पड़ा कि पूर्वी क्षेत्र में 90 से 95 हज़ार के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं, और जिसमें से 6 या 7 वार्डों में बहुत मेजोरिटी के साथ मुस्लिम वोटों की वो है। आप विश्वास रखिए, और मैं भी बहुत विश्वास के साथ इस क्षेत्र के मतदाताओं को बताना चाह रहा हूँ कि ये केवल और केवल 7 वार्डों के बीच में ही आके प्रचार करेंगे MIM, बाकी 8वें वार्ड में भी नहीं जाएंगे। उनका मकसद चुनाव जीतना नहीं है, उनका मकसद है मुस्लिम वोटों को पोलराइज करके डिस्ट्रीब्यूट करके भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाना। शहर के मुस्लिम इलाकों में पिछले 3 दिन से अलग अलग जगहों पर नुक्कड़ सभाएं करने वाले बुरहानपुर के पार्षद MIM को लेकर अपने कड़वे अनुभव साझा कर रहे हैं। कांग्रेस को समर्थन देने का संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि भाई को भाई से लड़ाने वाली पार्टी आपका भला कैसे करेगी। जी, हमसे कोई चूक नहीं हुई, ये पूरा भारतीय जनता का पार्टी का षड्यंत्र था, साजिश थी। हमने तो बहुत कोशिश करे, हमारे जो शहर के बड़े इमाम थे, उलमा थे, जिनके भी कांटेक्ट थे, बहुत करे, उन तक के मैसेज भी दिए कि देखिए बुरहानपुर में एक मुस्लिम लेडी है जो चुनाव एक तरफा जीत रही है, और आप ये विश्वास कीजिए अगर MIM की एंट्री नहीं होती तो मैं कम से कम 18 से 20 हज़ार वोट से बुरहानपुर में कांग्रेस पार्टी अपना मुस्लिम मेयर जीतती, और ये पूरे मध्य प्रदेश में एक ही मुस्लिम महिला होती। तो ये एक साजिश के तहत हुआ था, ये पूरी साजिश है। हमने तो हमारी पूरी मेहनत करी थी, कांग्रेस पार्टी ने पूरी मेहनत करी थी, कांग्रेस पार्टी के वर्करों ने मेहनत किए थे, लेकिन ये केवल मुस्लिम वोटों में डिस्ट्रीब्यूशन का करे थे। एक बात और कहना चाहूँगा मैं आपको कि आप धर्म और मज़हब के नाम पे किस एक बार बेवकूफ़ बनाओ, किसी को बार बार नहीं बनाओगे। आप मध्य प्रदेश के देश की जनता भी जान गई है। मैं इस बारे में केवल इतना कहना चाहूँगा कि ये तो क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम करके चुनाव लड़ती है, चुनाव जीतती आई है। अब भारतीय जनता पार्टी भाइयों को भाइयों से भी लड़ाना शुरू कर दीजिए, आप देख लीजिए क्या स्थिति बन रही है यहाँ पर। एक मुस्लिम कैंडिडेट होता तो फिर भाई आमने सामने होता, आज फिर डिस्ट्रीब्यूशन का वो करते मतलब वोटों का बंटवारा करके हम उसी तरफ जा रहे, लड़ाई की तरफ जा रहे। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहूँगा पूर्वी क्षेत्र के मतदाताओं से कि हमारी लड़ाई किसी अपनों से नहीं है, हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, गुजारिश है कि इनके भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में नहीं आए। ये केवल वोटों की राजनीति के लिए मजहब का धर्म का सहारा ला रहे।
बुरहानपुर का महापौर चुनाव हारने वाली कांग्रेस उम्मीदवार शहनाज अंसारी ने त्रिकाल मीडिया को बताया कि मात्र 388 वोटों से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। ओवैसी की पार्टी MIM ने BJP के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और मुस्लिम वोटों का बंटवारा कर दिया। मैं सबसे पहले तो जबलपुर में इसलिए आई हूँ कि जो मतलब हमारे साथ हुआ, हमारी पार्टी मतलब जो MIM की जो पार्टी थी वो हमारे कांग्रेस पार्टी में आके किस तरह से उन्होंने मुस्लिम वोट काटे और हमको कैसी मतलब हार की वो मिली, तो मैं वो आज इसलिए यहाँ पर आके बताने आई हूँ कि जैसे जो भी आप लोग भी जैसे ये गलती नहीं करें जो हमारे साथ गलती हुई है, तो बड़ी मेहरबानी होगी कि आप अपने जो वोट हैं उसको बहुत अच्छे मतलब सोच समझ कर डालें। हमारी कांग्रेस पार्टी जीते और MIM के चक्कर में उनके बहकावे में नहीं आए, क्योंकि जो हमारे साथ बुरहानपुर में हुआ है उससे तो हमको बिल्कुल एकदम तजुर्बा हो गया कि ये लोग किस तरीके से मतलब कांग्रेस मुस्लिम वोट को मतलब कैसे काटते हैं और किस तरीके से हराते हैं कांग्रेस पार्टी को। ये लोगों को मतलब बेवकूफ़ बनाना एक तरीके से, और ऐसा कुछ नहीं है। जो मिल्लत और ये सब जो कयादत करते हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है उनके साथ। वो सब मिली भगत है उनकी, BJP वालों के साथ ऐसा कुछ नहीं है जी। लोगों को बेवकूफ बनाते हैं ये, और कुछ नहीं। पूर्व विधानसभा से MIM के प्रत्याशी उतारे जाने की खबर से जबलपुर पहुंचे बुरहानपुर के कांग्रेस नेता ने बीते 4 दिनों में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में 5 से 6 नुक्कड़ सभाएं की। इस दौरान उन्होंने लोगों को यही समझाइश दी कि MIM एक साजिश के तहत मुसलमानों के वोट बांटना चाहती है। बहरहाल बुरहानपुर के इन कांग्रेस नेताओं ने MIM के मंसूबों से लोगों को आगाह करने की भरकस कोशिश की है। आगामी 3 दिसंबर को आने वाले चुनाव परिणाम इसका फैसला करेंगे कि इनकी मेहनत कितनी कामयाब हुई है। त्रिकाल मीडिया के लिए कैमरामैन विवेक चौधरी के साथ मतलूब अंसारी की रिपोर्ट।